शिवपुरी जिले के कोलारस थाना पुलिस द्वारा आज बुधवार को सिद्धपुरा गांव के कंजर डेरे पर अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई। पुलिस ने मौके पर शराब फैक्ट्री सहित 1,00,000 रुपए की कीमत की कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस ने मौके से भागे एक आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया है। कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने जानकारी देते हुए बताया कि लुकवासा चौकी क्षेत्र के सिद्धपुरा गांव के कंजर डेरे पर अवैध रूप से कच्ची शराब संग्रहण की सूचना मिली थी। पुलिस ने रामपाल कंजर के घर छापामार कार्यवाही की थी। पुलिस को देख रामपाल कंजर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के घर के पास से 6 ड्रमों में भरी कच्ची शराब सहित शराब बनाने वाली फैक्ट्री को मौके पर नष्ट कर दिया। पुलिस ने आरोपी रामपाल कंजर के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।